नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो लोग साइबर कैफ़े का बिजनेस करता है और साइबर कैफ़े में जो एपीएस आप करते हो, तो आपको जो है आपका पुराना जो भी डिवाइस है तो उसको अपग्रेड करना होगा। आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक डिवाइस है मंत्रा का, ये MFS 100L0 डिवाइस है। आप जो है इसको अपग्रेड करके मंत्रा MFS 110L1 डिवाइस मैंने अभी ख़रीदा है, तो इसका रिव्यू हम अभी करेंगे। तो ये जो मैंने ख़रीदा है ये डिवाइस, ये अमेजन से ख़रीदा है। अभी जो है बहुत रेट ज़्यादा बढ़ गया है और कुछ दिन बाद और भी रेट बढ़ेगा, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्दी से ले लीजिए, अमेजन में आपको डिवाइस मिल जाएगा। तो मैंने ये जो डिवाइस ख़रीदा है इसका रेट मैं बताऊँगा। तो चलिए अभी मैं इसको खोल के रिव्यू करके मैं इंस्टॉलेशन करके मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है, किस तरह से ये काम करता है। तो चलिए मैं इसको खोल रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मंत्रा MFS 110 और ये L1 डिवाइस है। यही डिवाइस आप सबको लेना होगा क्योंकि जो पुराना डिवाइस है उसमें काम नहीं होगा और कुछ दिन तक चलेगा, उसके बाद पुराना डिवाइस काम नहीं होगा। तो चलिए मैंने ले लिया है, तो इसको खोलते हैं। ये डिवाइस, इसमें एक कार्ड दिया गया है, ये वारंटी कार्ड है, 1 ईयर वारंटी का कार्ड है, 1 साल के लिए इसका वारंटी है। चलिए इसको मैं साइड में रख देता हूँ। और इसमें क्या क्या मिला है, सी टाइप एक जैक दिया है, इसके साथ लगाया गया है, और ये है डिवाइस, देख सकते हैं देखने में बिल्कुल एक ही जैसा है। ये मेरा पुराना डिवाइस है और ये नया डिवाइस है, आप देख सकते हो दोनों देखने को बिल्कुल एक ही जैसा है। डिफरेंस ये हल्का ब्लू कलर है और ये वाइट कलर में है। नया जो डिवाइस है ये हल्का ब्लू कलर में है और ब्लैक में है। तो यहाँ पे पीछे जो लिखा है, यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है। और इसमें ये पहुँचने के लिए एक रुमाल छोटा सा दिया गया है, आप इसमें से लगा के इस तरह से आप घिस के पूछ सकते हो, इसको क्लीन कर सकते हो। और इसमें एक मैनुअल दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो मुझे तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत दिनों से डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मंत्रा डिवाइस बहुत बढ़िया काम करता है। जो लोग मंत्रा डिवाइस यूज़ करते हैं उसको मालूम है मंत्रा डिवाइस बहुत अच्छा है। चलिए इस बॉक्स को मैं साइड कर देता हूँ। अब जो बड़ी है इसको
ये मैंने फ़ोन रखा हुआ है, इसको फ़ोन से कनेक्ट करना है। मैं अभी फ़ोन में ये जो है कनेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले जो वाड़ी है इसका जो ऐप्स है उसको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे लिखना होगा मंत्रा, मंत्रा एल, देख सकते हो आ गया है मंत्रा L1 RD सर्विस, इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे देख पाओगे मंत्रा MFS 110 L1 RD सर्विस, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल हो रहा है। 5.63 MB का ये सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐप्स है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको बाद इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे अलाउ कर देना है। थोड़ी देर आपको वेट करना है। ये सारे जो तीन डॉट डॉट दिखाई दे रहा है इसमें ग्रीन होगा तभी जो है ये डिवाइस काम होगा। अभी जो है नॉट कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैंने अभी यहाँ OTG कनेक्शन जो है उसको ऑफ किया हुआ है, इसलिए वो दिखा रहा है। OTG कनेक्शन को आपको ऑफ ऑन कर लेना है। आप देख सकते हो जब भी मैंने ऑन किया लाइट भी जल गया और यहाँ पर ओके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं डिवाइस में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे कैप्चर टेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। पुराना जो डिवाइस है, ये जो पुराना डिवाइस, इसमें आप अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे कैप्चर टेस्ट का ऑप्शन दिया गया है। आप भी को आप अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको मालूम होगा। तो चलिए कैप्चर टेस्ट का ऑप्शन नहीं दिया गया तो मैं एक APS करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिनी स्टेटमेंट करके देख लेता हूँ। तो ये ID को लॉगिन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं मिनी स्टेटमेंट कर लेता हूँ APS का। चलिए आ गया है। यहाँ पे मैं आधार नंबर एंटर कर लेता हूँ। तो कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट मैं चेक करूँगा। मिनी स्टेटमेंट के क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे टिक मार्क दे देना है। उसके बाद स्कैन एंड वेरीफाई। तो यहाँ पे एरर कोड 720 दिखाई दे रहा है, डिवाइस नॉट रेडी बता रहा है। चलिए फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा वेट कर लिया मैंने, फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर से दिखाई दे रहा है बायोमेट्रिक डाटा नॉट स्कैन बता रहा है। अभी आ गया है। अब जो है अब देख सकते हो यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है। पहले वाला डिवाइस में लाइट जल जाता है जब भी आप ओके में क्लिक करते हो, तो इसमें लाइट नहीं जला है। तो और एक बार मैंने ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अब देख सकते हो यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है। तो इसमें फिंगर जब रखोगे तब भी जो है यहाँ पे लाइट आएगा और थोड़ा सा लेट होके ये जो स्कैन होगा। तो मैंने बहुत सारा पहले डाला था, इसको थोड़ा सा ID देख के मुझे डिलीट कर लेना है। इसका जो ID है इसको रख के बाकी मैं डिलीट कर लूँगा। 83 और इसका ID मैं देख लेता हूँ 61। तो चलिए मैं कोई भी एक अलग सा ID मैं डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारा ID अगर आप स्कैन करते हो तो कुछ ID को आपको डिलीट करना पड़ता है। तो चलिए मैं फिर से एक बार स्कैन कर लेता हूँ। देख सकते हो आपके यहाँ पर लाइट नहीं आ रहा है। जब भी मैं फिंगर रखूँगा वो लाइट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये जो इसमें सेंसर बहुत ही सिक्योरिटी दिया गया है, ज़्यादा सिक्योरिटी दिया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर चेकिंग ट्रांजेक्शन स्टेटस बता रहा है। तो यहाँ पे चलिए मैसेज भी आ गया है, आप देख सकते हो ट्रांजेक्शन हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा लेट होके स्कैन लेता है, यही प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ओके दबाने पे ही यहाँ पे लाइट नहीं जलेगा। आप अंगूठा ले जाओगे तभी जो है यहाँ पे लाइट जलेगा, टच करोगे तभी जो है लाइट जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। आप देख सकते हैं। फिर से ट्राई करता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे जब भी मैं अंगूठा रखा हूँ तभी लाइट जला है, पहले से नहीं जला। और थोड़ा सा लेट होके स्कैन लेता है,
स्पीड थोड़ा सा कम है। जो मैंने पुराना डिवाइस है बहुत फास्ट काम होता था। तो दोस्तों पुराना डिवाइस अभी भी थोड़ा दिन चलेगा, उसके बाद जो है नहीं चलेगा। आपको जो है जल्दी से जल्दी, आप अगर काम चालू रखना चाहते हैं, आपको जो है नया डिवाइस ऑर्डर कर लेना है, क्योंकि ये जो डिवाइस है आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है बहुत ही जल्द, और इसका जो रेट है बहुत जल्द बढ़ रहा है। तो मैंने जो ये डिवाइस ख़रीदा था ये 3,640 रुपया मेरे को पड़ा था ये डिवाइस का। ये मैंने अमेजोन से लिया हुआ है। तो ये एक हफ्ता पहले का इसका रेट था 3,300 रुपया, 3,300 रुपया, लेकिन मैंने एक हफ्ता लेट कर लिया, उसमें ही से ही ये जो 400 रुपया, लगभग 400 रुपया बढ़ गया है। अभी जो है इसका प्राइस अभी 4,000 से ऊपर हो गया है। तो आप जितना लेट करोगे इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको अगर काम चालू रखना है तो जल्दी से ले लीजिए। तो दोस्तों यही जानकारी आपको दे देना था। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।